चक्कर में, पहले तो मार्केट्स पे इस सिचुएशन में ट्रेड करना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स को रोक रखा है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है, वहाँ पर भी बहुत कुछ नहीं है। सो कैसे दिन बिता रहे हो आप? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी नहीं, स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आ रहा है और वो वहाँ पे जो ट्रेड्स है वो काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। इंडेक्स जरूर एक साइलेंट मोड पर है, बट अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में स्ट्रेंथ विजिबल है और कोई भी डिप आ रही है तो वहाँ हमारी अप्रोच है बाइंग की। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिप में अच्छे से बाय भी हो रहा है और एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, सेक्टर रोटेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। हमने देखा लास्ट वीक पूरा रिलायंस चला था, उसके बाद 2 दिन आईटी का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, आज वापस एक मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं निफ्टी में स्ट्रेंथ देखूं तो कहीं कोई ना कोई सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और निफ्टी में अप्रोच सिंपल है कि कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है और एक 600-700 पॉइंट्स के लिए इसमें रैली प्ले करने की सलाह रहेगी। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 21,950 का एक एसएल लगाकर निफ्टी में लॉन्ग रहने की सलाह है हमारी। तो हमें लगता है निफ्टी में करीब करीब यहाँ से भी 22,400 और 22,600 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ कंटिन्यूअसली वीकनेस है और इसलिए अगर आप 5 दिन से देखोगे तो कंटिन्यूअसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं है। एचडीएफसी में हमने देखा था 1 दिन का मोमेंटम आया था, वापस ऊपर लेवल पे एक प्रेशर एचडीएफसी आईसीआईसीआई कोटक सब में देखने में मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी से अभी हमारी सलाह है कि अवॉइड करें, इसमें कोई भी ना लॉन्ग ना शॉर्ट दोनों साइड में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। निफ्टी में जरूर कोई भी डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। तो किसी गिरावट में खरीदारी करके चलने की राय निफ्टी में।